इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसको क्या बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीम, एक का काम रहता है इमरजेंसी को हैंडल करना। अब इमरजेंसी रिस्पांस टीम में क्या होगा, एक फायर फाइटर होगा जो हाथ में आएगा, एक इवैक्यूएशन करेगा, एक हेडकाउंट करेगा कि भाई हमारे सारे आदमी निकल तो गए, ऐसा तो नहीं कि आप फंस गया फटाफट वो अपना हेडकाउंट बता देगा भाई एक आदमी फंसा हुआ, एक आदमी फंसा हुआ तो जॉब दिया इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो चौकी पर क्या करेगी उसको ढूंढ के निकालेगी, ठीक है। और उसके बाद आने आप बोले ढूंढ गया कमांडेंट अथॉरिटी किसकी होती है कमांडेंट चीफ, ये बताएगा कि सब कुछ ओके हो गया है अभी आप अपने अपने कार्य स्थल पर जा सकते हैं, लास्ट क्लियरेंस बोलते हैं उनको, तो क्लियरेंस कौन देगा चीफ, चीफ कौन है आपका चीफ कमांडेंट कौन है, ठीक है। क्लियर है आपको, ये क्लियर सब किससे कर लेते हैं आगे वो कोई जाए ना प्लीज, हमारी टीम कंप्लीट है, हम रिहर्सल फाइनल रिहर्सल करके जा रहे हैं, एक रिहर्सल करो आपको हमने ट्रेनिंग दी है, इसमें कौन कौन लोग हैं, हेल्पर है, नर्सिंग स्टाफ है, फिर आपका फार्मासिस्ट है, इन सबको
ये मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टी ऑडिट के लिए। सेफ्टी ऑडिट में जितने प्लांट बिल्डिंग स्ट्रक्चर सारे सिस्टम की ऑडिट होती है। अब हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन भी थे, ऐसा हो रही है कि हम आए यहाँ पे 3 साल से ये हॉस्पिटल बंद है और अगर कुछ कमियाँ नहीं मिलेगी तो कमियाँ नहीं मिलेगी और उन कमियों को हमारी एक्सपर्ट टीम आगे बढ़ती है। हमारे एक्सपर्ट टीम जो है उन्होंने कमियों को पूरा किया, एक एक पॉइंट तक चेक किया और मॉरली जिस तरीके जो काम है तरीका वो नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें मैं बोलूँ, पॉइंट तो बहुत सारे हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाए थे और जिनको हमने क्लोज किए। जैसे आपका गेट है उसमें हमने रसीद देखा, हमने वेट कराया, एक छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन भी थे। हमें एक छोटा ये हमारा बताता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है सोचने का और काम करने का, ऑब्जर्वेशन लेवल क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नीचे एक प्लास्टिक का टुकड़ा गिरा छोड़ देंगे, हमारे काम करने का तरीका बहुत क्लियर है। प्लास्टिक का टुकड़ा है उसको उठाओ, आप सोच सकते हैं कि हमारे इस हॉस्पिटल को जो हमने सपोर्ट किया, जिसको हमने तैयार किया, किस लेवल की थिंकिंग हमने इसमें डाली। इंटीग्रेट बजट था आपका, सिक्योरिटी के लिए गंदा था, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आपका ऑब्जर्वेशन में आए। हमने सारे क्लियर किए जो कि आपके सामने है, आज आप सर्वे करेंगे। इवन टॉयलेट्स में अब मैं खुद डॉक्टर पड़ाव के साथ रहा, इस लेवल की लेवल का हमने काम किया है ताकि जो है आगे लोगों को जो यहाँ पे आए उनको परेशानी ना हो। ये सारे ऑडिट में डॉक्टर साहब ने पूरा सर्टिफाई किया है। ऑडिटर जो ऑडिटी का होते हैं दो लोग होते हैं, ऑडिटी और ऑडिटर। ऑडिटी वो होता है जो काम जो इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें हो गई, ऑडिटर वो होता है जो सर्टिफाई करता है कि भाई ये चीज़ें आपने की वो नियम के तहत की नहीं। फिर सबसे बड़ा काम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने पूरा ट्रांसफार्मर से लेके पैनल, पैनल के बाद आपका आपका डीसी सेट और जितना भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है आपका, मैं बता रहा हूँ हर ऑडिट हर और जहाँ भी गैप मिला इन पॉइंट के सबसे जुड़ा नहीं। ये डॉक्टर साहब ने प्रोसीजर बनाया है, एक कोविड पेशेंट का गेट पे आएगा उसको यहाँ से भर्ती करना, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करना, ये हमारा सिस्टम। आग लगने की सूचना मिली थी, मौके पर आकर के मैंने देखा है यहाँ जो पेशेंट
फैमिली थी उनको सेफली दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और जो स्टाफ है यहाँ पर स्टाफ द्वारा आग पर काबू पा लिए गए हैं। एक्चुअली ये सारी प्रक्रिया मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सारी प्रक्रिया मॉक ड्रिल के रूप में की गई और फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने के लिए कि हम इस चीज़ के लिए कितने प्रिपेयर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मजबूरी को भी किया है, ये सारे यहाँ जो मैंने फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियाँ इसमें की। जब कल इसका उद्घाटन होगा तो आपने सारी व्यवस्था को देखा किस तरह की? यहाँ पर सारी व्यवस्था हमने देखी है और जब इसको हमने तो 5-6 दिनों पहले मैंने यहाँ पर विजिट किया था उस समय यहाँ पर तैयारियाँ बहुत कम थी, लेकिन डॉक्टर साहब को जिनको सलाम है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत कम समय में इस हॉस्पिटल को तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि 50 बेड की यहाँ पर सुविधा की गई है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, ऑक्सीजन के लिए फिटिंग वगैरह की गई है और फायर सेफ्टी की भी सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, मेडिसिन के लिए ICU वगैरह सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध, बहुत कम समय में हॉस्पिटल को तैयार किया, बहुत अच्छा।